नमस्कार। वीकली एनर्जी कॉम्प्लेक्स के आउटलुक की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा पूरे एनर्जी पैक के लिए। अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो हमने देखा कि क्रूड में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ी हुई थी ओपेक के मीट से पहले, बट बावजूद उसके हमने देखा क्रूड में 1% के करीब की गिरावट के साथ पूरा हफ्ता क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेचुरल गैस में एकाएक हमने काफी बड़ी तेजी देखी और प्राइजेस 9% की तेजी के साथ 336 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा कि ओपेक की मीट से पहले प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक कंसेंस बना हुआ था कि ओपेक का अगला स्टेप क्या रहेगा। हमने देखा कल ओपेक प्लस एग्री हुए हैं कि धीरे धीरे जो सप्लाई है वो हम लोग बढ़ाएंगे, जिसके चलते हमने एकाएक क्रूड के प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी और प्राइजेस 4,900 के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। साथ में हमने देखा रुपए में भी जो मजबूती थी, जिसके असर के चलते एमसीएक्स पे क्रूड ऑयल पे ज्यादा दबाव था रादर देन इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। वहीं हमने देखा कि कोरोना का जो तीसरी लहर है इसका भी कंसर्न हमने ग्लोबल मार्केट में बनते हुए देखा, जिसकी वजह से प्राइजेस पे कहीं ना कहीं दबाव भी बना हुआ है। बट इन्वेंट्री डेटा पिछले 2-3 हफ्तों से हमने देखा कि क्रूड की इन्वेंट्री और गैसोलिन की इन्वेंट्री खास करके यहाँ पे हमने ड्रॉप आते हुए देखा, जिसके चलते प्राइजेस को कहीं ना कहीं लोअर साइड से एक सपोर्ट भी मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइजेस जैसे पिछले हफ्ते भी हमने बताया था एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करेगा, जो 5150-5200 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही 4800 से 4850 का लेवल तोड़ेगा। अगले हफ्ते के लिए भी ऐसा ही कुछ नजर रहेगा कि प्राइजेस एक बड़े दायरे में रहेगा। हो सकता है प्राइजेस में इन्वेंट्री ड्रॉप की वजह से 5100-5120 तक का जंप मिलता है, उस जंप पे हम क्रूड को बेच के चलेंगे, डाउन साइड में 4850-4900 तक का ही लेवल मिलेगा। वहीं इसके विपरीत अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो हरिकेन सीजन ऑलरेडी यूएस में काफी एक्टिव है और लेटेस्टली गल्फ ऑफ मैक्सिको में हमने एक नया हरिकेन बनते हुए देखा आईडीए, जिसकी वजह से हमने देखा काफी रिफाइनरीज ऑफलाइन मोड पे चली गई, जिसके चलते क्रूड में अचानक हमने एक बड़ी तेजी बनती हुई देखी और एक नया हाई की तरफ नेचुरल गैस में हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं इन्वेंट्री डेटा काफी इंपॉर्टेंट, आज की इन्वेंट्री में हम करीबन थोड़ा इन्वेंट्री 25 तक आते हुए दिखाएंगे, मतलब पिछले हफ्ते से थोड़ी कमी है जो प्राइस को सपोर्ट भी कर सकता है, बट टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में होने की वजह से हमें लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। 340 के ऊपर प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, टेक्निकली 330 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, अगर ये तोड़ता है तो 308-10 तक का लेवल रहना चाहिए। तो इन ऑल अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड में 5100-5120 तक बेच के चलना है। वहीं नेचुरल गैस में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, क्योंकि तूफान का जो असर है वो अगले हफ्ते कम होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है। धन्यवाद।